नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं नामर्दी के लिए एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपसे मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट यह है कि कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखा करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो और फार्मूला बनाने लग जाते हो तो वो सही से बन नहीं पाता और वो साइड इफ़ेक्ट भी कर देता है या फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, आप ये पूरी वीडियो देखें। और दोस्तों, एक मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया था आज सुबह ही, तो वह कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, आप कहते हो कि किसी अच्छी मजबूत खरल में डाल के भस्मों को खरल करें। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कृपया करके हमें बताइए कि पक्की खरल कैसी होती हैं, क्या होती हैं, तो उस बारे में हमें बताइए। तो दोस्तों, बिल्कुल उन्होंने बहुत सही प्रश्न किया, क्योंकि आयुर्वेद में जितना जड़ी बूटियों का और भस्मों का महत्व होता है, उतना ही अच्छी खरल का भी महत्व होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि ये है दोस्तों, ये जो पत्थर है, ये संगमरमर पत्थर है। तो संगमरमर की खरल अच्छी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह क्या है, जैसे हम कोई दवा रगड़ते हैं, खरल करते हैं, तो ये पत्थर भी साथ में घिसता है। तो दोस्तों, हमें उस खरल का इस्तेमाल करना है जिसका पत्थर बिल्कुल ना घिसे, बिल्कुल पत्थर घिसता ना हो। तो ये दोस्तों, संगमरमर के पत्थर की जो खरल होती है, उसका काम तो यही होता है, जैसे हमने कुश्ता कली बना ली या शंख भस्म बना ली या सीप भस्म बना ली, तो ऐसी भस्मों को खरल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होती और उन्हें ज़्यादा खरल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए हम ये पत्थर की खरल, संगमरमर की, इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर दोस्तों, जब हमें किसी भी भस्म को ज़्यादा देर तक खरल करना हो या उसकी मजबूत हाथों से रगड़ाई करनी हो, तो उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए हमें मजबूत खरल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको कुछ मजबूत खरलें, कुछ अच्छे पत्थरों की खरलें दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये आपको सबसे पहले क्या करना है, ये नामर्दी का बहुत ही पावरफुल नुस्खा है और इसे वही मेरे वैद्य भाई बनाएं जो आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते हैं, जो कुश्ते भस्में बनाते रहते हैं, तो वही भाई मेरे इस नुस्खे को बनाएं। और दोस्तों, सर्दियों के लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ले लेनी है कली, जो कली होती है जिसे बंग बोलते हैं, तो उसकी दोस्तों दो आपको कटोरियां बना लेनी है, लगभग 3 इंच साइज की, 3 इंच मतलब उसमें गैप हो इस तरीके से, 3 इंच हो, तो इस तरीके की आपको कटोरियां बना लेनी है और गहराई भी लगभग उसकी 1.5-2 इंच हो, दो कटोरियां बना लेनी है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, एक तांबे का सिक्का लेना है, शुद्ध किया हुआ, शुद्ध तांबे का सिक्का। तो दोस्तों, 100 ग्राम आपको लेनी है काजी दस्तार बूटी, 100 ग्राम आपको लेनी है जंगली गोभी बूटी, और 100 ग्राम आपको लेनी है दोस्तों लाजवंती, लाजवंती के आपको पत्ते लेने, इन तीनों चीज़ों के पत्ते ही इस्तेमाल होंगे। उन्हें दोस्तों
कूट के अच्छी तरह उसका बारीक लुगदा बना लें, उन कटोरियों में भर लें और बीच में सिक्का रख के ऊपर से दूसरी कटोरी रख के आप इसे बंद कर दें। ऊपर दोस्तों आपको क्या करना है, अलग से लाजवंती का लुगदा, लाजवंती के पत्तों का लुगदा उस कटोरी के ऊपर लपेट देना है। उसके बाद दोस्तों आपको उसे कपड़ मिट्टी कर देना, मतलब कपड़ मिट्टी करने का मतलब ये होता है जो हमारी वो कटोरियां हैं उस पर लुगदा लगा दिया, उसके ऊपर एक आपको सूती कपड़ा लेके उस पर मिट्टी लगा के उसे उसके ऊपर लपेट देना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको तीन कपड़ मिट्टी कर देनी है और उसे सुखा लेना है। सूखने के बाद दोस्तों आपको 40 किलो उपलों की आग दे देनी है, 40 किलो उपलों की गजपुट में आप आग दे दें। उसके बाद दोस्तों जब वो ठंडी हो जाएगी आग, राख बचेगी, तो एक दो दिन के बाद आप उसे निकालें। जो आपकी कली होगी, कली भी कुश्ता बन गई होगी और जो तांबे का सिक्का है, तांबे का सिक्का भी कुश्ता हो गया होगा सफेद रंग का। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, कली जो हमारी कुश्ता कली है उसे आप अलग नुस्खे में यूज करें, जो हमारी तांबे का कुश्ता बनाए उसे आप अलग इस्तेमाल करें। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको तांबे के गुण बताता हूँ। दोस्तों जो ये हमारी तांबा भस्म बनेगी, इसकी दोस्तों खुराक है 2 कशकाश के दानों के बराबर, सुबह शाम मक्खन या मलाई के साथ खानी है, दूध घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और दोस्तों जो बंदा इस नुस्खे को 21 दिन यूज कर लेगा उसे कैसी भी नामर्दी हो, चाहे वात की वजह से हो, कफ की वजह से हो या पित्त की वजह से हो, A to Z दोस्तों कोई भी शरीर में दोष हो वो सब खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों खास करके जिन भाइयों को पित्त की समस्या है, शरीर में गर्मी ज्यादा है, वो इस भस्म के साथ एक एक रत्ती सुबह शाम कली भस्म इस्तेमाल करेंगे, कली भस्म यही वाली जो इससे जो कटोरियां हमारी होंगी और जो हम ये कुश्ता तांबा और कुश्ता कली दोनों चीजें तैयार कर रहे हैं, तो इसके साथ बनी हुई कली भस्म ही यूज करनी है। तो दोस्तों कैसी भी नामर्दी हो 21 दिन में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों ये फार्मूला फिलहाल अभी मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि काफ़ी सारी मेडिसिन मुझे तैयार करनी है, काफ़ी सारे नुस्खे तैयार करने हैं, काफ़ी सारे भाइयों का ऑर्डर आया हुआ है, तो फिलहाल मैं उनके लिए दवा तैयार करूंगा, अभी मैं ये वाला फार्मूला तैयार नहीं करूंगा। कृपया करके मेरे से ये वाला आप फार्मूला ना मांगे। आने वाले टाइम में जब मैं ये नुस्खा तैयार करूंगा तो मैं अपने मरीजों को, अपने भाइयों को ये नुस्खा जरूर दूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगला जो मेरा अब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको मजबूत खरल के बारे में बताऊंगा कि मजबूत खरल कौन सी होती हैं। फिलहाल अभी तक मैंने नहीं बताया मजबूत खरल के बारे में, ज़्यादा जानकारी नहीं दी और ना ही मैंने दिखाई। तो अब मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आप भाइयों को बताऊं कि मजबूत खरल क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है और उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो बहुत जल्द दोस्तों मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।